ऐसे प्रश्न हैं कि आपको किसी भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपकी परीक्षा की तैयारी मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से करा दूंगा दोस्तों। और बहुत सारे वीडियोस मैं बना चुका हूं, और तो आपको यदि उन वीडियो की लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उन वीडियो की लिंक डाल दी है, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आपने मेरे सारे वीडियो देख लिए तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 99% आपकी जीके की तैयारी मेरे वीडियो से ही हो जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अब आपके पास टाइम तो बुक पढ़ने का नहीं है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों को आगे भी शेयर करना, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है ऐसे ही IMP क्वेश्चन की। तो दोस्तों आप अपने तक तो मत रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइएगा। दोस्तों क्वेश्चन क्रमांक पहले से हम स्टार्ट कर लेते हैं कि संविधान सभा के मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किस मुगल शासक को पहले आगरा में और बाद में काबुल में दफनाया गया था? बाबर को दफनाया गया था। रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है? दोस्तों रेगुर काली मिट्टी को कहा जाता है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का जो नियम है दोस्तों वो केपलर ने किया था। और पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। किसके उत्सर्जन में संभारिक का निर्माण होता है? दोस्तों बीटा क्रोनों के समय होता है। बेरियम क्लोराइड कैसा लवण है? बेरियम क्लोराइड जो एक सामान्य लवण है। रत्नावली एवं प्रियदर्शिका की रचना किसने की थी? दोस्तों ये हर्षवर्धन ने की थी। पारसनाथ किन धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है? पारसनाथ जैन धर्म के लोगों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। दक्षिण भारत में मंदिरों के बृहद प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। हमारा सौर मंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? दोस्तों एरावत गैलेक्सी में स्थित है। किस चित्र को भारत का पिकासो कहा जाता है? में मकबूल फिदा हुसैन को कहा जाता है। 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में किसने की है? दोस्तों ये M.N. राय ने की थी। किसके प्रयास से 1926 ईस्वी में श्रमिक संघ अधिनियम पारित किया गया था? B.P. बाड़िया के संघ में किया गया था। भारत में प्रथम अनविधिमत जनगणना किस वर्ष की गई थी? 1872 ईस्वी में की गई थी। एक ग्रह की अपने से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। किस घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है? दोस्तों स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों 124 अनुच्छेद में है। सामना किस राजनीतिक दल का प्रमुख समाचार पत्र है? ये दोस्तों ये शिवसेना का है। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? बुडरो विल्सन थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? ये अजमेर में की थी। कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यू डिजाय ने की थी। प्रत्यावर्तित मानसून किस क्षेत्र में आर्द्रता ग्रहण करती है? बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है। बर्मन वंश के किस शासक ने प्राग ज्योतिषपुर को अपनी राजधानी बनाया था? पुष्प बर्मन ने बनाया था। राज्यपाल अपने विवेकाधीन बमतियों के अनुपालन किसके नियंत्रण के अधीन में करता है? ये दोस्तों राष्ट्रपति के अधीन में करता है। महिला विश्व कप का प्रथम आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश का समादेश किस सूची में मिलता है? समवर्ती सूची में मिलता है। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? ये मराठों के बीच हुआ था। बल किन का गुणनफल है? बल दोस्तों द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल माना जाता होता है। किसने कहा था कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राज्य की विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्य की विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है। थायरोक्सिन के अधिक से कौन सा रोग हो जाता है? टॉक्सिन ग्लाइटर हो जाता है।
कोलंबो के पूर्व श्रीलंका की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कैंडी है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा लवण है दोस्तों? एक अम्लीय लवण है। झारखंड में आदिवासी म्यूजियम कहाँ स्थित है दोस्तों? रांची में स्थित है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्ट कहा जाता है? भाग तीन को कहा जाता है। कौन सा हड़पकालीन नगर पशुपालन का एक बहुत बड़ा केंद्र था? नेस्दी था। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये बेंगलोर में स्थित है। पहली बार आज बजट का दूरदर्शन द्वारा सीधा प्रसारण कब किया गया है? 19 फरवरी 1992 ईस्वी में किया गया था। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1982 में की गई थी। कील और पेंच किस कारणों से वस्तु को पकड़े रहते हैं? घर्षण के कारण पकड़े रहते हैं। शिवाजी ने किस युद्ध पद्धति को अपनाया था? गुरिल्ला पद्धति को अपनाया था। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। भारत जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? B.A. Smith ने कहा था। आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दरबार में रहते थे। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन यहाँ पर फिर से फिनिश हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो अच्छा लगेगा और आपको लगा होगा, इसलिए आप इसको शेयर ज़रूर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और बता दूं दोस्तों कि आपको और सारे वीडियो की ज़रूरत है तो इस डिस्क्रिप्शन की लिंक में जाइएगा, बहुत सारी वीडियोज़ की लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं और UP Plus की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और बने रहिए आप AS Maths Academy के साथ।